हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बिहारी कबाब की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। ये बहुत अच्छी सी रेसिपी है। कबाब को जिस अंदाज़ में बनाया जाए बहुत अच्छी लगती है। मैं यहाँ पर कबाब को चारकोल पर सेक कर बनाई हूँ, बहुत इजी तरीके से बनाई हूँ। आप भी इसे बनाएं और मुझे ज़रूर कमेंट करें। और इंग्रेडिएंट्स एक ही रहेंगी। बनाने का तरीका यहाँ पर दो तरीके से मैं इस कबाब को बना रही हूँ। आधे कबाब को मैं सेक कर बनाई हूँ और आधे कबाब को मैं फ्राई करके बनाऊँगी। स्टोर करके मैं रखी हूँ, आप भी चाहें तो इसे स्टोर करके रखिए। जो पसंद हो उस अंदाज से बनाएं और सैलेड, रायते, चटनी किसी के साथ सर्व करें, बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए देख लेते हैं इनमें क्या इंग्रेडिएंट्स लगी हैं। अब बहुत इजी तरीके से बनाई हूँ। यहाँ बिहारी कबाब बना रही हूँ मैं। बिहारी कबाब बनाने के लिए यहाँ मैं 1/2 kg मटन के इस तरह से पीसेस ली हूँ। पतले पतले से बड़े बड़े छोटे छोटे पीसेस कर लेना है। इसे मैं साइड में रख देती हूँ। इसे मैं अच्छे से धुलकर छान कर मैं रख ली हूँ। इसके अंदर पानी नहीं है, इसे मैं साइड में रख देती हूँ। यहाँ मैं 1 pinch फूड कलर ली हूँ। 1 छोटी चम्मच में नमक ली हूँ। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। यहाँ 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर ली हूँ और 1/2 छोटी चम्मच यहाँ मेथी पाउडर ली हूँ। मेथी 1 छोटी चम्मच मेथी ली हूँ। इसे रोस्ट करके मैं कूट ली हूँ बारीक। उसमें से मैं 1/2 छोटी चम्मच यहाँ यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ 3 बड़ी चम्मच मैं रिफाइन ऑयल ले रही हूँ और 1 छोटी चम्मच यहाँ पपीते का पेस्ट है। यहाँ 1 छोटी चम्मच मैं जीरा पाउडर ली हूँ। 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर ली हूँ। 2 छोटी चम्मच मैं लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ। तीखा अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। और यहाँ 2 हरी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है और 1 जावित्री फूल है छोटा सा है। इन सबों को पाउडर बना लेना है या कूट लेना है, जो भी इजी हो। तो मेरे पास यहाँ कुटा हुआ पाउडर है, मैं बना कर रखी हूँ। यहाँ 1/2 छोटी चम्मच मैं पाउडर यूज़ कर रही हूँ। बहुत इजी तरीके से बनाना बताऊँगी बिहारी बूटी कबाब। सबसे पहले इसमें गरम मसाले पाउडर को डालूँगी। ये जो मैं पीसी थी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जावित्री मिलाकर जो पाउडर बनाई हूँ मैं वो डाली हूँ। इसके बाद मैं नमक को डालूंगी। उसके बाद मैं यहाँ फूड कलर डालूंगी। आप चाहे तो फूड कलर नहीं भी डाल सकते हैं, आपके ऊपर है, लेकिन मैं डाल रही हूँ। और उसके बाद पपीते के पेस्ट को डाल दूंगी। यहाँ धनिया और मेथी पाउडर को डालूंगी, कुटे हुए मेथी को डालूंगी, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, लास्ट में तेल डालूंगी और डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लूंगी। यहाँ मैं कबाब में सारे मसाले को अच्छे से लगा ली हूँ और इसे कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रखूँगी। अगर वक्त है तो आप 1 रात के लिए भी रख सकते हैं। अगर वक्त नहीं है तो कम से कम इसे 2 घंटा डीप फ्रीज में डालें और उसके बाद निकाल कर इसे नॉर्मल कर कबाब लगाएं, सेकें या फ्राई करें, आपके ऊपर है। इसे मैं ढक के रख दूंगी और बहुत इजी तरीके से बनाऊंगी। आप चाहें तो इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। 4 घंटे हो चुके हैं, कबाब काफ़ी अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। मैं अपने कबाब को चारकोल पर सेकूंगी, तो चलिए सीख में लगा लेती हूँ। यहाँ मैं अपने हाथ में पानी लगा ली हूँ और सीख को अच्छे से उसके ऊपर मालिश कर दी हूँ और इसके बाद मैं इसके अंदर कबाब को लगाना शुरू करूँगी। इसी तरीके से कबाब को सीख के अंदर लगा लेना है और बहुत धीमी स्लो स्लो आँच पर मैं इसे चारकोल के अंगार पे इसे सेकूंगी। बहुत अच्छी सी रेसिपी है, बहुत अच्छी लगती है। तो इसी तरीके से मैं सीख में लगा लेती हूँ और फिर बताती हूँ किस तरह से सेकूंगी। यहाँ मैं चारकोल जलाई हूँ। आप भी किसी भी पुराने बर्तन में इस तरह से घर पे बना सकते हैं। बहुत इजी तरीके से लकड़ी रख कर चारकोल को जला लें और कबाब घर पे सेके, मैं हमेशा बनाती हूँ इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर एक तरफ से 15 मिनट सेकूंगी। इसे सेकने में बहुत स्लो फ्लेम पर 30 मिनट लग जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा अंगार में सेकेंगे तो 20 से 25 मिनट लगेंगे, लेकिन मैं बहुत स्लो फ्लेम पर सेक रही हूँ तो आधा घंटा ये लग जाएगा। तो मैं इसे घुमा घुमा कर अच्छी तरीके से सेक लूँगी, बीच में ऑयल भी लगाऊँगी। तो चलिए मैं इसे सेक लेती हूँ। यहाँ 15 मिनट हो चुका है, मैं कबाब के ऊपर तेल लगा दी हूँ। यहाँ मैं बहुत धीमी आँख पर इसे सेक रही हूँ और 15 मिनट सेकूँगी। 15 मिनट में सेक ली हूँ। धीमी आँच पे सेकने से कबाब बहुत अच्छा तरीके से सिकता है, कहीं से कच्चा नहीं रखता, टेस्ट बहुत यमी आती है। तो आप जब भी सेकें बिल्कुल इसी धीमी आँच पर ही सेकें। तो इसे मैं सेक कर निकाल लेती हूँ। यहाँ कबाब
अच्छे से सीख चुका है। पूरा 30 मिनट लग गया है कबाब को सेकने में, बहुत स्लो सेकी हूँ। आप इसे किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें, सैलेड रायते के साथ, और आधे को मैं स्टोर करके रखूँगी। तो चलिए मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। यहाँ बचा हुआ बिहारी कबाब को मैं एक डब्बे में डाल दी हूँ और इसे मैं ढक कर रख दूँगी। आपकी जब भी दिल चाहे तब इसे आप फ्राई करें या सेके, पहले भी बता चुकी हूँ। ये बहुत अच्छी सी रेसिपी है, इसे मैं स्टोर करके रखूँगी। अब मैं इसी बिहारी कबाब के बचे हुए पीसेस को मैं फ्राई कर बताऊँगी, वो भी बहुत यम्मी और टेस्टी लगती है। मेरे घर पर ऑलवेज़ ये बनता है, बहुत पसंद की जाती है मेरे घर में इस रेसिपी को। तो मैं यही रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, बहुत सिंपल तरीके से बनाई हूँ। तो आप प्लीज़ इसे ज़रूर बनाएं और मुझे ज़रूर कमेंट करें, बहुत अच्छी सी रेसिपी है। यहाँ मैं अपने बिहारी कबाब को प्याज के लच्छों के साथ और चटनी के साथ सर्व की हूँ। आप जब भी इसे सर्व करें तो इसके ऊपर नींबू को निचोड़े और चाट मसाला को छिड़के तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है, काफ़ी यम्मी लगता है। मैं वैसे ही सर्व करूँगी जब इसे खाना होगा। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।